सुबह के बज रहे हैं 9:25, 9:30 बजने वाले हैं। आई एम मीटिंग माई डॉक्टर इन माई मीटिंग दलिया फिंगर क्रॉस्ड कि आज डिस्चार्ज मिल जाए, आज घर जाए तो अच्छे से बस। All set to go? Finally. आज हो गई छुट्टी। All set to go home. कितना टाइम हो गया नहीं? इतना दूर 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 रहता है। अच्छा भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। बस अब फिंगर क्रॉस कि दोबारा ऐसे एडमिट ना हो। अभी डॉक्टर ने बोला है कि आई नीड टू डू अ कम्प्लीट बेड रेस्ट फॉर गुड 1 month. आई एम ऑल सेट टू गो। अभी साइन नीचे गया है पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए और अब वो फिर थोड़ी देर में ऊपर आएगा एंड देन विल लीव फॉर होम। आई एम मिसिंग सुल्तान। पहला कंसर्न था मेरा हेल्थ एंड बेबी का हेल्थ जो कि अभी भी रिस्क में है। अभी भी डॉक्टर ने मुझे पूरा 1 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है बट मेरा लास्ट केस में 7 month में भी मुझे कन्फर्मेशन नहीं था। तो दिस टाइम आई एम लाइक देखो जिसको आना होता है वो आएगा, जिसको नहीं आना होता है वो नहीं आता है। तो बस मैंने खुद का माइंड कहीं ना कहीं ब्लॉक कर लिया है। जब से हैं तब से यही चल रहा है, बॉल ला के दे रहा है और खेल रहा है। इसका मन नहीं भर रहा मेरे से। आ गई पकड़ में? नहीं आई। अब साहिल की तरफ ध्यान है। फाइनली आई एम होम। जिस टाइम पे मैं घर आई थी उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई बिकॉज साहिल सुल्तान को पकड़ रहा था और चलते को शूट करने की हालत बिल्कुल नहीं थी। बट नाउ आई एम होम और काफ़ी रिलीव्ड फील कर रही हूँ बिकॉज आई नो हॉस्पिटल एक सेफ जगह है बट स्टिल घर तो घर होता है। जब से आई तब से मम्मी और पापा ने बहुत ख्याल रखा है मेरा, बिल्कुल बेड से हिली नहीं, आके 2-3 घंटे की नींद मिली और अब वापस मेडिसिन कंप्लीट करके सो जा रही हूँ। ये देखो तो बस प्रे करना, दुआओं में याद रखना, एक एक दिन भारी है मेरे फेस पे और आप सबके लिए मेरी मां महादेव वासुदेव ऑलवेज बेस्ट। Thank you.